हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। इंटीग्रल साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है बच्चों। साइन स्क्वायर याद रखिए बच्चों, साइन स्क्वायर आपको पता है, फार्मूला पता होना चाहिए बच्चों कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इज 2x प्लस 5, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला था बच्चों वो होता है 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा का मतलब क्या है, थीटा में जाएंगे ले 2x प्लस 5, यहाँ पर हम थीटा ले रहे बच्चों, तो इसके लिए यहाँ पर 2 नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ताकि ये फार्मूला बन जाए 2 साइंस के थीटा का। 2 साइंस के थीटा का फार्मूला तो बच्चों 1 माइनस कोस 2 थीटा, और थीटा का मीनिंग क्या है, एंगल जो गिवन है 2x प्लस 5, ओके, तो थीटा का मीनिंग हम यहाँ पर 2x प्लस 5 ले रहे बच्चों, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा, थीटा मीनिंग क्या है, मैं आपको पहले बता दिया बच्चों, 2x प्लस 5 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, इसके लिए फार्मूला बनाने के लिए 1 बाय 2, 1 माइनस, अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई एंगल के साथ, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4x प्लस 2 5 जा 10 इंटू डी एक्स। अब इसका निकालेंगे इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन तो बच्चों x, और साथ में क्या है बच्चों, 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x बाय 2 माइनस, फिर 1 बाय 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद, तो cos का होता है साइन 4x प्लस 10, और बच्चों x का जो कोएफिशिएंट है एंगल में आप देख रहे हो बच्चों, उससे हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 से और 1 बाय 2 से बच्चों साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों टर्मों को, क्योंकि बाहर जो बच्चों याद है 1 बाय 2 से जो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 से बच्चों, ओके, तो 1 बाय 2 और साइन का cos होता है साइन 4x प्लस 10 डिवाइड बाय 4 प्लस 3, वेयर सी इज द कांस्टेंट, तो दैट इज पॉसिबल बाय और कर सकते हैं x बाय 2 माइनस 2 4 जा 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस 3 इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों ये कुछ फार्मूले हैं जो यूज होने हैं एक्सरसाइज के अंदर, ये 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपने बच्चों रीड किए होंगे, हो सकता है बच्चों आप इनको भूल गए हो, तो आप इनको दोबारा रिकॉल करें, रिकॉल भी चलता है बच्चों, रिमेंबर करना, याद करना, तो इट मस्ट बी रिमेंबर टू ऑल द फार्मूलाज, ये बच्चों आपके पास 4 फार्मूले हैं जिन्हें आपने याद करना है, ये यूज हो बच्चों आपके इस एक्सरसाइज के अंदर, इनके बेस्ड, इनके ऊपर बेस्ड है बच्चों इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, तो 2 sin a cos b इज इक्वल, क्योंकि इंटीग्रेशन निकालने के लिए बच्चों आप जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आप याद दे रहे बच्चों, ये कुछ इन्हीं फार्मूले से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो इन 4 फार्मूले से रिलेटेड होंगे, जब तक हमें 4 फार्मूले याद नहीं होंगे जो कि हमने 11th क्लास में जो आपका 3rd चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री उसमें लर्न किए थे, ओके बच्चों, तो सबसे पहले वो याद करेंगे एक बार, 2 sin a cos b is equal to sin into a plus b plus sin into a minus b, यानी कि एक बार क्या करेंगे, sin into एक बार दोनों को प्लस करेंगे, फिर प्लस sin एक बार दोनों एंगल को माइनस करेंगे। फार्मूला नंबर 2, 2 cos a sin b is equal to sin into a plus b minus sin into a minus b। थर्ड फार्मूला बच्चों, 2 cos a cos b is equal to cos of a plus b plus cos of a minus b। फोर्थ फार्मूला बच्चों, 2 sin a sin b is equal to cos into a minus b minus cos into a plus b। अब देख क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx, ये फार्मूला ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर फार्मूला जो यूज हो रहा है इनमें से कोई फार्मूला यूज होगा, लेकिन बच्चों इनके साथ 2 लगा हुआ है, यहाँ पर 2 नहीं लगा आगे, 2 मल्टीप्लाई बच्चों फंक्शन के साथ, तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। दूसरी बात बच्चों क्या है कि यहाँ पर 3 फंक्शनों की प्रोडक्ट यहाँ पर हो रही है, प्रोडक्ट जब करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3 फंक्शनों की, तो बच्चों क्या करेंगे, हम दो दो फंक्शनों की यहाँ पर लेके चलेंगे, दो दो फंक्शनों की मल्टीप्लाई करके लेके चलेंगे, जैसे सबसे पहले क्या है, जो बड़ा फंक्शन क्या है cos 6x, और फिर छोटा लेंगे cos 2x, और जो मीड वाला बच्चों, ओके, जो मीड वाला उसको के लास्ट में लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ओके, मल्टीप्लाई cos 4x dx। तो क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया बच्चों, ओके, ताकि फार्मूला बन जाए, फार्मूला बनाने के लिए इसी जो फार्मूला यूज होगा बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में फार्मूला यूज किया था मैंने 2 sin स्क्वायर थीटा का, और यहाँ पर फार्मूला होता है बच्चों 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पर, जो नीचे 4 फार्मूले देंगे इनमें से जो थर्ड वाला फार्मूला 2 cos a cos b वाला फार्मूला यूज करेंगे, जिसका फार्मूला होता है cos into a plus b plus cos into a minus b। एक बार क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखा भी है रीजन, 2 cos a cos b का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, cos of a plus b plus cos of a minus b, एक बार दोनों को क्या cos लिख के दोनों एंगल को प्लस करेंगे, फिर cos लिख के बच्चों दोनों को माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, एक बार उनका डिफरेंस करना एंगल होगा, और बीच में साइन प्लस का आएगा बच्चों, और बाहर जो मल्टीपल ग्रुप में जो थर्ड फंक्शन बच गया था आपका लिमिट वाला बच्चों, ये 4x * dx 1 / 2 बच्चों, क्या देखो अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है दोनों टर्मों को बच्चों, cos 4x जो लास्ट में लिखा मल्टीप्लाई ग्रुप में, इन दोनों टर्मों को इस cos 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos 8x * cos 4x plus cos 4x को cos 4x से करेंगे, तो cos 4x हो जाएगा * dx। दोबारा फिर ये फार्मूला लग रहा है बच्चों, आप फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, पूरी टर्म को दोनों टर्मों को करेंगे, यहाँ पर
इसको भी 270 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 270 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड भी किया जाए बच्चों। ओके, तो यहाँ देखो, अब ये 1 बाई टू बाहर लेंगे तो 2 2 4 1/4 हो जाएगा, और यहाँ ये फार्मूला दोबारा भी फार्मूला बन गया बच्चों, यही फार्मूला लगेगा अगेन, दोबारा फिर इसी फार्मूला यूज करेंगे, cos ओ बाई प्लस बी प्लस cos ओ बाई माइनस बी प्लस, और यहाँ पर ये फार्मूला लगता है बच्चों, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने फार्मूला लगा था 2 sin θ का, थीटा मीन्स क्या है 2x + y, और यहाँ फार्मूला लग जाएगा 2 sin θ की बजाय 2 cos θ लग जाएगा, 2 cos θ में दोनों में क्या डिफरेंस बच्चों, यहाँ पर क्या है सिर्फ यहाँ देखो, अगर साइन है तो यहाँ साइन, यहाँ जो साइन आएगा बच्चों माइनस का आएगा, अगर साइन वाला फार्मूला है 2 sin² की बात है तो यहाँ क्या डिफरेंस दोनों में, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, अगर यहाँ साइन की बजाय cos² होता जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में है, तो फिर यहाँ साइन माइनस की बजाय प्लस का साइन हो जाएगा। ओके बच्चों, वो थीटा गिवन है और थीटा के अनुसार लिखा जाएगा अकॉर्डिंगली जो थीटा गिवन है, तो यहाँ देखो बच्चों हमारे पास यहाँ cos² है तो साइन प्लस का आएगा, और एंगल बच्चों का है कि डबल हो जाते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ डबल हो बच्चों, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ये जो एंगल है sin² के अंदर, यहाँ पर जब चेंज करें तो ये एंगल डबल हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों एंगल डबल हो जाएगा, 4x हो जाएगा 8x हो जाएगा, 1/4 इंटू अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन, 1 2 3 4, अब चार टर्म आपके पास बन गई है, तो चारों टर्मों का इंटीग्रेशन करेंगे 1/1, cos θ होता बच्चों sin θ, cos θ का होता है sin θ, और थीटा भी यहाँ पर क्या 12x है, अब जो एंगल है बच्चों 12x, जब आप यहाँ देख रहे हो बच्चों की जो 12 हो x के साथ क्या है मल्टीप्लाई है, यानी कि 12 क्या x का क्या कोएफिशिएंट है बच्चों, कोएफिशिएंट x का बच्चों उसको डिवाइड करेंगे प्लस, इसी प्रकार ये आपको बच्चों अच्छी प्रकार ज्ञात हो गया होगा, cos का साइन 4x का जो कोएफिशिएंट होता है 4 वो हमेशा डिवाइड होता है प्लस, 1 को होता है x इंटीग्रेशन प्लस, cos को होता है साइन 8x, और एंगल जो है बच्चों एंगल का जो कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करेंगे, यानी कि एंगल का कोएफिशिएंट क्या है 8 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि हम यहाँ करते आए हैं प्लस सी ऐड करेंगे हर एक क्वेश्चन में लास्ट में इंटीग्रेशन निकालने बाद, क्योंकि सी क्या है कोई कांस्टेंट होता है बच्चों, तो इसके बाद फिर थोड़ा और चाहे तो आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, अगर चाहे तो बच्चों आप यहां तक ही छोड़ सकते हैं, अगर थोड़ा सा और सोल्व करना है तो आगे क्या स्टेप तो आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि 4 से क्या करेंगे, यहां देखो 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1/4 से, तो साइन 12x डिवाइड बाय, हां जी 4, देखो बच्चों 12 4 48 प्लस, उसको फिर करेंगे 4 4 16, और फिर बच्चों यहां करेंगे x/4 प्लस, 4 8 32 प्लस से। ओके बच्चों, तो इस प्रकार बच्चों आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इस टाइप के बच्चों और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन 2x cos 3x दो दो फंक्शन की मल्टीप्लाई के रूप में प्रोडक्ट के रूप में भी हो सकता है बच्चों, 3 की प्रोडक्ट के रूप में भी फंक्शन हो सकता है। ओके बच्चों, तो जिस भी रूप में आपके पास क्वेश्चन दिए होंगे तो आप इनमें से कोई एक फार्मूला लगेगा बच्चों इसी टाइप के, देखो ये 1 2 3 4, तो यानी कहने का मतलब बच्चों यह है कि इंटीग्रेशन जो आपको दिए मिलेंगे वो इस स्टैंडर्ड के मिलेंगे। ओके, कहीं पर क्या है 2 cos A cos B होगा, जैसे कि यहाँ पर था बच्चों, आपने अगर 3 फंक्शन दिए तो 2 2 में बना लेंगे, 2 दिए तो फिर वो क्या बच्चों वो तो दिए हैं वहां तो डायरेक्टली लग जाएगा फार्मूला, 3 दिए तो फिर आप क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट और पहले जो बड़े वाला फंक्शन, फिर छोटे वाला और बीन बीट वाला लास्ट में लिख सकते हैं, और फिर फार्मूला यूज करके 2 2 बाय कॉम्बिनेशन करके, अगर 2 ही फंक्शन दिए तो इजीली आप लिख सकते हैं उसको बच्चों, तो इन चारों में से कौन कोई फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। ओके, आप करते हैं नेक्स्ट टर्म, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रल sin³x cos³x dx, ये निकालना चाहो, ये तो क्या है देखो, इसको दो तरीके से किया जाता है, इसके दो अल्टरनेटिव मेथड है, या तो क्या इस तरीके से कर सकते हैं या फिर आपको इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दोनों के जो आंसर है वो डिफरेंट आ रहा है बच्चों, लेकिन वैसे इसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल के बच्चों के आंसर क्या श्योर होता है, कई बार क्या होता है एक इंटीग्रेशन के हमारे पास दो आंसर हो सकते हैं। ओके बच्चों, हाँ जी, जैसे कि हमारे पास दिया है, जैसे कि बच्चों हमने निकाला इंटीग्रेशन tan x का निकालना होता है, cot x का निकालना होता है। ओके बच्चों, तो क्या होते हैं तो उनके डिफरेंट इंटीग्रेशन हो सकते हैं। ओके, लेकिन हमारे पास क्या इंटीग्रेशन सही होना चाहिए, आंसर डिफरेंट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, इस टाइप से करें तो कुछ आंसर अलग आएगा, इस टाइप से करें तो आंसर कुछ अलग आएगा, लेकिन मेथड आपका गलत नहीं होना चाहिए। जैसे हम इस अगर इस मेथड से करते बच्चों फार्मूला अप्लाई करके, जैसे क्या करें यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से डिवाइड किया, अब 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, तो उसको क्यूब के रूप में लेंगे, 2 की पावर 3 के रूप में लेंगे बच्चों, क्योंकि ये भी क्या है जो क्यूब के रूप में लेंगे सही पावर, साइन की क्या है साइन की क्यूब एक्स और कोस की क्यूब एक्स डी एक्स 1/8 अब 2 sin x cos x की पावर 3, यानी कि क्यूब ऑफ 2 sin x cos x dx 1/8, अब क्या है बच्चों ये क्यूब है sin 2x का dx, तो 1/8 अब इसका फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं sin³θ, थीटा यहाँ पर 2x है, थीटा का sin³θ आपने 11th क्लास के अंदर बच्चों फार्मूला वो याद करना पड़ेगा। एक होता है बच्चों cos³θ फार्मूला और sin³θ फार्मूला, उसे आप निकाल सकते हैं, वहां से घुमा के आप क्या रोटेट करके वहां से आप cos³θ या sin³θ का कोई फार्मूला आप जिसकी भी आपने जरूरत है तो वो आप निकाल सकते हैं। जैसे cos थीटा वैसे इसमें यूज नहीं है बच्चों, लेकिन मैं बता देता हूँ कई बार आ जाता है वो,
तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा - 3 cos थीटा। ये आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में लर्न किए होंगे बच्चों। एक बार फिर हम तुम्हें रिवाइज करा देते बच्चों को, cos थीटा = 4 cos क्यू थीटा - 3 cos थीटा। तो यहां से बच्चों अगर आपने cos क्यू थीटा निकालना है तो बस इनको रोटेट करके घुमा करके आप यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, थोड़ा सॉल्व करके। और उसके बाद है sin थीटा। sin थीटा में क्या होता है, यहां बच्चों यहां पे ये देखो यहां पर ये आ जाएगा कि पीछे चला जाएगा और cos के साथ पर sin हो जाएगा, ओके बच्चों। तो sin थीटा जैसे cos के साथ पर आपने sin करना है, cos के साथ पर जहां पर वहां आपने sin करना है। और ये क्या है बच्चों, देखो तो पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे हो जाएगा और उनके sin है वो भी चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का। तो 3 cos के साथ पर sin थीटा माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस ये प्लस हो गया 4 और बच्चों cos के साथ पर sin हो गया क्यूब थीटा। इस पर आप निकाल सकते हैं। तो हमने एक्चुअली निकालना sin क्यूब थीटा, यहां देखा हमने तो यूज करना sin क्यूब थीटा। तो यहीं से निकाल लेंगे 4, अब ये माइनस का बच्चों इस साइड प्लस का हो जाएगा, लेफ्ट साइड आएगा और ये लेफ्ट साइड प्लस का भी माइनस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि sin क्यूब थीटा फॉर्मूला क्या निकल गया इस रिलेशन से, 1/4 × 3 sin θ − 1/4 × 3 sin θ − sin 3θ। तो थीटा मीन यहाँ पर क्या है, थीटा का मतलब आपने यहाँ पर 2x लेना है बच्चों, 2x लिया जाएगा थीटा का मीनिंग। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, उसको सोल्व करेंगे, निकालेंगे इंटीग्रेशन निकालेंगे, जिसका इंटीग्रेशन निकालना बच्चों साइन को होता है cos, ओके बच्चों 2 कोफिशिएंट है 2 से डिवाइड करेंगे और साथ में जो साइन का होता है माइनस, माइनस cos थीटा होता है बच्चों साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा cos 6 थीटा मीन 6x और बच्चों 6 क्या है कोफिशिएंट x का, तो 6 से डिवाइड करेंगे प्लस सी और 1/8 = 32, ओके बच्चों तो बाहर 32 लिखते हैं 1/32। इस प्रकार आप अपना इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, इजीली है, ओके बच्चों अगर आपने फार्मूला यूज नहीं करना तो वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप निकाल सकते हैं इसको। जैसे यहाँ देखेंगे आप इसको अल्टरनेटिव मेथड क्या है, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स, तो इसको साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स को लेंगे, कोस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस क्यूब एक्स आएगा बच्चों। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos k x का फॉर्मूला 1 − sin θ, बिकॉज आपको पता है रिलेशन होता है cos k थीटा - sin k थीटा इक्वल टू 1, तो वहां से cos k थीटा cos k x निकालने बच्चों, ओके 1 - sin k x आएगा * cos x dx, पुट sin x को टिल लेंगे यहां पर, जब इसका डेरिवेटिव निकाल लिया cos x dx = dt, यहां वैल्यू पुट करेंगे बच्चों और आपके पास सॉल्व करने वाला का t³ - t⁵ dt, इसका निकालेंगे इंटीग्रेशन और बाद में t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोनों आंसरों में क्या डिफरेंसेस है बच्चों, लेकिन आपका ये डज नॉट मैटर, ये मायने नहीं रखता क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर आंसर क्या डिफरेंट हो सकते हैं, बस आपका इंटीग्रेशन आपका फार्मूला सही होना चाहिए, ओके बच्चों। हमने फार्मूला अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना, हमें आंसर मैच निकलना होता है क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है बच्चों। हाँ जी, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। देखो बच्चों यहाँ पर जरूरी नहीं है, यहाँ साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स पावर डिफरेंट हो सकती है, यहाँ बच्चों क्या है आपकी पावर एक पावर इवन में, यहाँ पर दोनों पावर ओड में दी है, दोनों फंक्शनों की पावर इवन और ओड में दोनों एक इवन में एक ओड में हो सकती है या दोनों इवन में भी हो सकती है या दोनों ओड में भी हो सकती है। हम एक क्वेश्चन बच्चों आपको दिखाते हैं जिसकी दोनों पावर क्या है इवन में है, वो कर लेते हैं बच्चों, ओके। अगर पावर एक इवन में एक ओड में तो आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर सकते हैं, सेम वही मेथड बाय पुटिंग मेथड से आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कर सकते हैं। अब ये ओड वाला किया, अब हम इवन पावर वाला करके दिखाएं बच्चों। तो साइन कोस की फॉर्म में दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल कोस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कोस साइन की पावर 4 एक्स डी एक्स। दोनों ही पावर तो कोस और साइन क्या है, एक क्या है इवन नंबर में, देखिए बच्चों 1/4, तो क्या करें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे इसके लिए, ओके बच्चों। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो क्योंकि यहाँ कोस के और साइन की पावर 4 को बच्चों साइन स्केयर फॉर्म में लिख लें, ओके, ताकि दोनों की पावर एक बार सेम हो जाए कोस के साइन स्केयर। और ये बच्चों क्या 4 से क्यों किया, क्योंकि 2 की पावर 2 या 2 का स्केयर 4 होता है बच्चों, ओके, तो हम इसको इसलिए 4 से करेंगे ताकि 2 का स्केयर हो जाए, क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला था बच्चों, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा के, ओके। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया, क्योंकि दोनों स्केयर में है तो 4 को भी 2 का स्केयर लिख लेंगे, ओके बच्चों। और दोनों की क्या 2 का स्केयर है, कोस का स्केयर है, साइन का स्केयर है, तो क्या बच्चों तीनों टर्म से स्केयर बाहर ले लेंगे, 2 साइन कोस कंप्लीट का तीनों टर्म का इकट्ठा स्केयर कर दो यहां पर, फिर बाद में लास्ट में क्या मल्टीप्लाई साइन स्केयर एक्स डी एक्स 1/4, ये फार्मूला बन गया बच्चों आपका साइन 2 थीटा का, ओके साइन 2 थीटा, यानी कि थीटा में जहां पर एक्स है बच्चों, तो साइन 2x और बच्चों साइन स्केयर बन जाएगा, क्योंकि बाहर पावर क्या है सारे का स्केयर है, कंप्लीट का स्केयर है, तो साइन स्केयर 2x हो जाएगा मल्टीप्लाई, और बाहर क्या है, बाहर मल्टीप्लाई क्या है साइन स्केयर एक्स डी एक्स, तो 1/4। अब यहां पर फार्मूला करेंगे अप्लाई करेंगे साइन स्केयर थीटा का, साइन स्केयर थीटा का फार्मूला था बच्चों 1 − cos 2θ, यहां पर डबल एंगल हो जाएगा बच्चों, यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ थीटा, तो यहां पर एंगल डबल हो जाएगा, और यहां पर बच्चों अगर
साइन स्केयर के बजाय अगर यहाँ कोस स्केयर होता तो यहाँ पर साइन ओनली प्लस का होता, बाकी सेम एज इट इज होता बच्चों। ओके, अब यहाँ पर आए करेंगे 1/4, ये 1 माइनस एंगल डबल हो जाएगा, 2 × 4x डिवाइड बाई 4 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, मल्टीप्लाई अगेन फिर यूज फार्मूला, 1 माइनस कोस यहाँ भी एंगल का डबल हो जाएगा, 2x/2 यहाँ कर सकते हैं बच्चों, इसको अप्लाई करेंगे 2 × 4, 4 × 4 = 16, 1 माइनस यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कोस 4x इंटू दूसरा फैक्टर क्या, 1 माइनस कोस 2x, यानी कि मल्टीप्लाई करना बच्चों 1 माइनस कोस 4x, दूसरा फैक्टर क्या है 1 माइनस कोस 2x के साथ। ओके बच्चों, और इनको बाहर ले लिया 2 × 4, 4 × 4 = 16, तो इनको मल्टीप्लाई किया बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फैक्टरों की, दोनों फैक्टरों की मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट आएगा 1/16 इंटीग्रल 1 माइनस कोस 2x माइनस कोस 4x प्लस 1/4 बच्चों 1/2। ये आपको सबसे पहले यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 टू कोस, देखो टू कोस ए कोस बी, मैंने फार्मूला बच्चों को स्टार्टिंग में चार फार्मूला लगवाए थे, मैं इसे फार्मूला रिजल्ट यूज करेंगे, तो उसका फार्मूला बनेगा कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट हम यहाँ रिजल्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ नेक्स्ट हमने जब रिजल्ट अप्लाई किया और यहाँ बच्चों को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने 2 से डिवाइड किया था, ये रिजल्ट अप्लाई करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया ताकि फार्मूला अप्लाई किया जा सके, 1/2 इंटू को ये फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने, 1/16 इंटू इंटीग्रेशन निकाला बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस कोस का होता है साइन 2x/2 माइनस कोस का होता है साइन 4x/4 प्लस 1/2 फिर कोस का होता है साइन 6x/6 प्लस फिर 1/2 साइन 2x/2 प्लस सी 1/16 इंटू एक्स माइनस, बच्चों आप यहाँ देख रहे हो सबसे पहले इनको सोल्व करेंगे, यहाँ ये टर्म देखिए, ये टर्म देखिए, और बच्चों आपकी ये जो टर्म है एंगल सेम है, जो ये सेकंड टर्म और जो लास्ट टर्म है जो इसकी 2 × 4, तो हम यहाँ देखो हमने अलग से यहाँ सिंप्लीफाई करते हो, साइन 2x/4 हो जाएगा, यहाँ बच्चों देखना साइन 2x 2 × 4 ये प्लस के बच्चों माइनस हमने करना है क्योंकि एंगल सेम है, जो एंगल वाले सेम साइन और सेम एंगल वाले उसको सोल्व करेंगे, साइन 2x/2 साइन 2x/2 एलसीएम 4 है बच्चों, तो साइन 2x - 2 sin 2x इज इक्वल टू माइनस के दिया बच्चों, तो माइनस का बच्चों आपके पास आएगा माइनस के, यहाँ तक बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले माइनस का आएगा, ओके क्योंकि माइनस का दिया माइनस साइन 2x/4 आएगा, तो आप यहाँ लिखते हैं माइनस साइन 2x/4 फिर माइनस साइन 4x/4 प्लस 2 × 6 = 12 1/12 साइन 6x, ये बच्चों हमने इन दोनों को सोल्व करके एक टर्म लिख दी थी बच्चों, दोनों को सोल्व करके एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया था प्लस सी, दोबारा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/16 को, हर एक टर्म को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं x/16 माइनस साइन 2x/16 4 × 64 माइनस फिर साइन 4x/16 4 × 64 प्लस फिर बच्चों का 16 की 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 sin 6x / 192 प्लस सी, वेरी सी यानी कांस्टेंट, तो इस प्रॉब्लम में हम निकाल सकते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज सैंड पैड थ्री का क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, 22वां क्वेश्चन है जिसे क्वेश्चन नंबर 5 नाम दिया मैंने, लेट i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट i नाम दे दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो इसको फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऐसे दे निकलेगा नहीं, तो बच्चों हमारे पास वो क्वेश्चन है 1/cos(x-a)(cos(x-b)dx ये दिया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसको साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे, इनकी सेम फंक्शन से मल्टीप्लाई सेम फंक्शन से डिवाइड करेंगे बच्चों। ओके, अब इसको ऐसा क्यों किया, देखो अब साइन ऑफ ए माइनस बी इसको हमने इस प्रकार से, लेकिन एंगल यहाँ पर ए माइनस बी ऊपर और नीचे एंगल जो दिए हैं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी के फॉर्म में, तो क्या करेंगे इनको बच्चों क्या करेंगे इस टाइप के एंगलों में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे, एंगल सेम करने की ट्राई करेंगे बच्चों। ओके, जैसे कोस ऑफ एक्स माइनस ए और कोस ऑफ एक्स माइनस बी में, तो साइन के भी एंगल ऐसे कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं, तो साइन इंटू इसको लिख सकते हैं बच्चों एक्स माइनस बी फिर माइनस एक्स माइनस ए, इस टाइप से अगर लिखेंगे, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों एक्स माइनस बी और माइनस एक्स और बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब राइट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा ए, तो बच्चों ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ए माइनस बी आएगा, देखो ऊपर वाला सेम ए माइनस बी, इट मीन्स क्या मैं ए माइनस बी को ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस बी फिर माइनस एक्स और माइनस प्लस ए, ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि बच्चों इसमें क्या करेंगे, तो आपका ए माइनस बी जो दिया बच्चों इसमें एक बार प्लस एक्स करेंगे और एक बार माइनस एक्स करेंगे, यानी कि एक बार आपने एक्स प्लस करना है एक बार एक्स में आपने माइनस करना। ओके, क्या करेंगे ए माइनस बी तो आपके पास है ही बच्चों, ऊपर देखिए ए माइनस बी, तो एक बार क्या करेंगे एक्स को प्लस किया एक बार एक्स को माइनस किया बच्चों, और इसको भी इस प्रकार से आपने देखना बच्चों एक्स माइनस बी
बच्चों आपने x माइनस बी, ये जो आपकी टर्म है मिड वाली टर्म, पहले मिड वाली टर्म लेंगे, प्लस वाली x माइनस बी, फिर क्या उसके बाद फिर माइनस क्या आपके पास x है बच्चों, फिर माइनस x और प्लस a, ये दिया तो x माइनस बी। यहां से बच्चों क्या करेंगे आप ब्रैकेट, अगर माइनस कॉमन लेना है तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास x माइनस a हो जाएगा। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस a हो जाएगा। तो यहां देखो बच्चों मैंने इसको कुछ इसी टाइप से लिखा बच्चों, साइन इंटू एक्स माइनस बी, ओके बच्चों, और ये आपके पास a माइनस बी की वैल्यू है, तो a माइनस बी को मैंने इस प्रकार से लिखा बच्चों, x माइनस बी माइनस x माइनस a, एंगल सेम कर लेंगे। अब देखो ऊपर वाले इनसे क्या एंगल सेम हो जाएंगे, x माइनस बी यहाँ भी कहीं भी है x माइनस बी है, x माइनस a यहाँ भी नीचे भी कहीं भी है x माइनस a एंगल दिया है, ओके बच्चों। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम साइन इंटू ए प्लस बी का, साइन इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको बच्चों पता होना चाहिए क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये फॉर्मूला अप्लाई किया करेंगे 11th क्लास के फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहे हैं बच्चों, ओके। तो ए मीन यहाँ पर क्या x, यहाँ पर ए मीन है x माइनस बी और बी मीन है यहाँ पर x माइनस ए, ओके। यहाँ पर इसको ए मीनिंग, यहाँ पर तो इसका मीनिंग ए लिया जा रहा है, इसका मीनिंग बी लिया जा रहा है कैपिटल ए कैपिटल बी में, ओके बच्चों। डिवाइड बाय x माइनस ए कोस इंटू एक्स माइनस बी, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कोस साइन ए कोस बी, माइनस है तो बच्चों माइनस का साइन डालेंगे, यहाँ अगर आपके पास बच्चों अगर माइनस का साइन है तो फिर यहाँ माइनस डालेंगे, प्लस है तो प्लस डालेंगे, ओके बच्चों। यहाँ साइन माइनस का तो इसलिए माइनस लिखा जाएगा, कोस ए साइन बी और डिवाइड बाई फंक्शन आपके पास एक ही है ऑलरेडी पहले से बच्चों dx, अब तो सेपरेट टर्म के रूप में लिखा जाएगा, साइन x माइनस बी कोस x माइनस ए डिवाइड बाई कोस इंटू एक्स माइनस ए कोस इंटू एक्स माइनस बी माइनस कोस इंटू एक्स माइनस बी साइन इंटू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई कोस इंटू एक्स माइनस ए कोस इंटू एक्स माइनस बी। अब तो सेम फैक्टर बच्चों में कैंसिल हो जाएंगे फर्स्ट टर्म में भी और सेकंड टर्म में भी, रिमेनिंग जो फैक्टर आपके पास साइन x माइनस बी डिवाइड बाई कोस इंटू एक्स माइनस बी और साइन बाय कोस क्या होता है, साइन बाय कोस होता है टेन थीटा, थीटा मीन्स क्या है, थीटा मीन्स एंगल जो गिवन है x माइनस बी dx, सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं दोनों टर्मों का अलग अलग आप इंटीग्रेशन, यहाँ भी सेम जो फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी साइन थीटा बाय कोस थीटा के फॉर्म में फंक्शन आएगा जो कि टेन बन जाता है, थीटा मीन्स x माइनस ए यहाँ पर dx, वन बाय साइन इंटू एक्स माइनस बी, ये तो ऑलरेडी चल रहा बच्चों क्योंकि मैंने क्या किया स्टार्टिंग में साइन इंटू ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया था, साइन इंटू ए माइनस बी से डिवाइड किया था, डिवाइड वाला तो चले रहा है, ओके, और जो मल्टीप्लाई फंक्शन था उसको मैंने ऐसे रिड्यूस कर लिया था बच्चों, ओके, एक्स माइनस बी माइनस इंटू एक्स माइनस ए की फॉर्म में एंगल को। और यहाँ देखो अब टेन का निकालना इंटीग्रेशन बच्चों, टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है या टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, माइनस लॉग मॉडुलस कोस थीटा, थीटा मीन्स क्या है एक्स माइनस बी, फिर अगला वाला करेंगे फिर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस लॉग मॉडुलस कोस एक्स माइनस ए, ओके बच्चों, थीटा का मतलब यहाँ पर क्या एक्स माइनस बी लिया जाएगा, यहाँ पर थीटा का मतलब एक्स माइनस ए लिया जाएगा, प्लस सी वेरी सी यानी कॉन्स्टेंट, ये आपको बच्चों पता है सी हम जो होता है कॉन्स्टेंट वो हरेक क्वेश्चन में ऐड करना होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर हर एक इंटीग्रल क्वेश्चन में कैसे ऐड किया जाएगा, चाहे वो किसी भी टाइप का इंटीग्रल दिया गया हो या किसी भी मेथड का इंटीग्रल दिया गया हो। तो वन बाय साइन इंटू एक्स माइनस बी, वन बाय साइन इंटू एक्स माइनस बी लोग बच्चों आपको कन्फर्म होना चाहिए कि लोग एम माइनस लोग एन, ये प्रॉपर्टी है लोग की लोग अर्थम की, लोग एम माइनस लोग मतलब लोग एम बाय एन, तो लोग m मीन्स क्या है, पहले प्लस लेंगे फिर माइनस वाले नीचे लेंगे, नीचे लेंगे डिवाइड के रूप में, तो लोग m बाय n cos x माइनस a डिवाइड बाय cos x माइनस b प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। इस प्रकार इस टाइप का अपने क्वेश्चन सॉल्व करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये, इसको आप क्या करेंगे टू टाइम निकाल के देखना बच्चों आपको, ओके। तो आपने इस टाइप के क्वेश्चनों की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें बच्चों। तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इनसे रिलेटेड बच्चों, इन एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बच्चे वो काफी इंपॉर्टेंट समय, सभी क्वेश्चंस को यहाँ बच्चों नहीं समझा जा सकता, इस बात को आप अच्छे से समझते हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो एज ए पीडीएफ के रूप में आज आपको बच्चों कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सेंड कर दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। तो आपने क्या है मोस्टली क्वेश्चन में करा दिए हैं, फिर जो क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं तो उनको बच्चों इनको तो आपने करना ही करना बच्चों, और जो अदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों उनको भी क्या मैं आपकी एज ए पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ओके बच्चों। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।